हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल वीआर पुस्तकालय अध्यक्ष में। तो हम पेपर नंबर सेकंड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस यूजीसी नेट, जिसके आज हम पेपर नंबर सेकंड का यूनिट नंबर थर्ड को कंप्लीट करेंगे। आज मैं जो यूनिट नंबर थर्ड है सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को कम्प्लीट करा दूंगी। नेक्स्ट हम जो यूनिट नंबर फोर्थ है उसको कम्प्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट नंबर थर्ड को, ठीक है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले जानते हैं जो इन्फॉर्मेशन है वो कितनी प्रकार की होती है, सोर्स क्या क्या है। इसके टू टाइप्स के सोर्स है, एक डॉक्यूमेंट्री सोर्स एंड नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। डॉक्यूमेंट्री में आपको थ्री टाइप्स मिल जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टरीज। नॉन डॉक्यूमेंट्रीज में आपको टू टाइप्स मिल जाते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल में आपका रेडियो टीवी आ गया, इनफॉर्मल में आपका ओरल टॉक टेलीफोन टॉक्स ये सब आ जाते हैं, ठीक है। अब नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज के बारे में जानते ही कितने प्रकार के होते हैं। ये टू टाइप्स के हो सकते हैं, ये ह्यूमंस हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। वैसे ये जो नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज होते हैं वो लाइफ सोर्सेज होते हैं, ठीक है। जैसे हम बातचीत करते हैं ये सब नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में आता है। तो ये टू टाइप्स के हो सकते हैं, ह्यूमंस और ऑर्गेनाइजेशन। तो ह्यूमंस में क्या क्या आ सकते हैं, एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, कोई सोर्स हो सकता है, कोई वर्कर्स हो सकता है, टेक्निकल गेट कीपर्स हो सकता है, इनविजिबल कॉलेज हो सकता है, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो सकता है, इंटरनेशनल एजेंसी हो सकती है, अकेडमिक इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, डाटाबेस वेंडर्स हो सकते हैं, रेफरल सेंटर हो सकते हैं। ये टू टाइप्स के होते हैं नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। इसी तरीके से आपका डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन सोर्सेज के बारे में आपको बता दूं, तो इसमें जो कोटेशन दी गई है वो आपको पता होने चाहिए किसने क्या क्या कहा है, पूछा जाता है। जैसे कि सी डब्ल्यू हसन कहते हैं कि इन्होंने इंफॉर्मेशन सोर्सेज को टू टाइप्स में डिवाइड किया है। एक तो इन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज की बात की है सेम। इसी तरीके से डैनिश ग्रोगन कहते हैं इन्होंने थ्री टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन को डिवाइड किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टरीज। इसी तरीके से रंगनाथन ने इंफॉर्मेशन सोर्सेज को फोर्थ पार्ट में डिवाइड करा है। सबसे पहले इन्होंने कन्वेंशनल में डिवाइड किया। तो कन्वेंशनल में क्या चीज़ें आती है, बुक्स आती है, पीरियोडिकल्स एंड मैप। इसी तरीके से न्यू कन्वेंशनल में आता है स्टैंडर्ड, स्पेशलाइजेशन एंड पेटेंट। इसी तरीके से थर्ड आता है नॉन कन्वेंशनल, इसमें आपका ऑडियो विजुअल माइक्रो कॉपी ये सब आता है। एंड लास्ट इज मेटा डॉक्यूमेंट, इसमें आपका डायरेक्ट रिकॉर्ड्स आ जाता है। ये ऐसा रंगनाथन ने डिवाइड किया इन्फॉर्मेशन सोर्सेज को। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टरी सोर्सेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन सोर्सेज में जो कहीं नहीं, अभी कहीं मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो वो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन सोर्सेज होते हैं। तो इसमें पीरियोडिकल्स आ सकते हैं, आपका थीसिस, डिसर्टेशन आ सकते हैं, रिपोर्ट आ सकती है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग आ सकती है, पेटेंट आ सकता है, स्टैंडर्ड्स आ सकता है एंड ट्रेड लिटरेचर आ सकता है। ये आपका सभी प्राइमरी इन्फॉर्मेशन सोर्सेज में आता है। सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन सोर्सेज में क्या चीज़ें आ सकती है, डायरेक्टरीज आती है, डिक्शनरीज आती है, एंसाइक्लोपीडियाज आता है, बिब्लोग्राफी आता है, इंडेक्स अब्स्ट्रैक्ट्स आते हैं, हैंडबुक्स एंड मैनुअल्स आते हैं। इसी तरीके से आपका टर्टरी सोर्सेज में क्या आता है, आपका डायरेक्टरीज आता है, ईयर बुक आते हैं, एनुअल्स आते हैं, बिब्लोग्राफी आता है, ठीक है। ये आपका हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टरी सोर्सेज। अब हमारा नेक्स्ट इसी में टॉपिक है रेफरेंस सोर्सेज। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है रेफरेंस जो सोर्सेज, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो इसमें जो कोटेशन दी है विलियन कार्ट ने दिया है, इन्होंने रेफरेंस सोर्सेज को टू कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट इन्होंने बोला कंट्रोल एक्सेस एंड सेकेंड वर्क ऑफ सोर्स टाइप्स में कहा है। और टाइप्स ऑफ रेफरेंस सोर्सेज क्या होते हैं, तो डिक्शनरी भी एक रेफरेंस सोर्स है, तो जिसका मीनिंग होता है डेक्स को मीनिंग, ये लैटिन शब्द है, इसको लेक्सिकॉन भी कहा जाता है, डिक्शनरी को लेक्सिकॉन नाम से भी जाना जाता है। अब सेकंड इज रेफरेंस सोर्सेज का एनसाइक्लोपीडिया, ये भी एक रेफरेंस सोर्सेज है। तो फर्स्ट अल्फाबेट एनसाइक्लोपीडिया कब आया था और किसने किया था, तो पॉप थे जो इंग्लैंड के पॉप थे जॉन हैरिस, उन्होंने 1704 में ये फर्स्ट अल्फाबेटिकल एनसाइक्लोपीडिया आया था। वो किस नाम से था, वो लेक्सिकॉन टेलीकॉम और यूनिवर्सल इंग्लिश डिक्शनरी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के नाम से ये इस्टेब्लिश हुआ था। तो वर्ल्ड मोस्ट डेवलपमेंट एनसाइक्लोपीडिया, जो वर्ल्ड में मोस्ट डेवलपमेंट एनसाइक्लोपीडिया वो कौन सा है, वो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका है, जो 1760
68 में आता है। ओके, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका कब स्टैब्लिश हुआ था? 1768 में, जिसमें मैंने आपको बताया ये एडिनबर्ग में, हेडक्वार्टर्स का शिकागो यूएस में है, एंड टोटल इसके एडिशन 15 एडिशन। ओके, जो इसके फर्स्ट टू 114 तक एडिशन है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है, माइक्रोपीडिया, मैक्रोपीडिया एंड प्रोपीडिया। और जिसका एडिशन नंबर 15 होता है वो फोर पार्ट में डिवाइड होता है, माइक्रोपीडिया, मैक्रोपीडिया, प्रोपीडिया एंड इंडेक्स में। ठीक है, फर्स्ट जो इसका फर्स्ट एडिशन है, जो इंपॉर्टेंट एडिशन है वो मैं आपको इसको बता देती हूँ, जो पूछा जा सकता है। जो फर्स्ट एडिशन इसका 10 सितंबर 1768 में आता है एडवन बेल के द्वारा एंड कॉलिन के द्वारा। किस नेम से आता है इंसाइक्लोपीडिया? यह आता है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका और डिक्शनरी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस कंपाइल अपॉन न्यू। ठीक है, और थ्री वॉल्यूम में आता है। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका, जैसे मैंने अभी एंसाइक्लोपीडिया के बारे में बताया रेफरेंस सोर्सेज में, नेक्स्ट आपका आता है बिब्लियोग्राफिकल सोर्सेज। ओके, तो बिब्लियोग्राफिकल एक जो है ग्रीक वर्ड है, एंड सबसे पहले इसका यूज़ किसने किया था? लॉर्ड सेंट चार्ल्स ने किया था सबसे पहले बिब्लियोग्राफी का यूज़। लेकिन फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी की बात करें वो आपका कॉनार्ड जेसनर है। ठीक है, इसी तरीके से आपका नेक्स्ट टॉपिक इसी में आता है, जो ई इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज, जो पूछा जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें जो आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मिल जाती है, जैसे BUBLBUB इंफॉर्मेशन सर्विस। ये क्या है? ये इंटरनेट रिसोर्स एंड स्पेशल फोकस एलाइस की साइट है। ठीक है, इसी तरीके से जी गेट क्या है? न्यू वर्ल्ड ऑफ जर्नल है। एंड साइक्लिन क्या है? ये एक वेबसाइट है जो 1995 में स्टार्ट हुई थी। ह्यूमनिटीज क्या है? ह्यूमनिटी एक इंडेक्स अब्स्ट्रैक है, आपको इसमें फुल टेक्स्ट जर्नल्स मिलते हैं। पबमेड सेंटर क्या है? ये एक डिजिटल आर्काइव्स ऑफ लाइफ साइंस जर्नल लिटरेचर है। ये डेवलप किया था नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एट यूएस एंड नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने किया था। ठीक है, हब ह्यूमनिटीज क्या है? ये एक बुलेटिन बोर्ड है जो गेटवे साइट है, जो मेंटेन करता है चार्ल्स एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अब मैंने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे जो बार बार पूछे जाते हैं, ये यूनिट नंबर 3rd से ही है, लेकिन आपको ये सिलेबस में, मतलब जो सिलेबस आपको दिया उसमें ही नहीं, लेकिन ये बार बार पूछे गए हैं, तो मैंने वो एक इंपॉर्टेंट नोट्स लिख के दे दिया, प्लीज पढ़ लेना। मैं आपको बता देती हूँ उसमें मैंने क्या क्या नोट डाउन किया है। जैसे इसमें 1963 में नेशनल स्टैंडर्ड रेफरेंस डाटा सिस्टम आता है। ये कब क्रिएट किया था, मतलब किसने क्रिएट किया था? ये यूएस के द्वारा आता है, 1963 में आता है। इसी तरीके से प्रोफेसर सी एन राव कहते हैं डाटा इज अ विश्व रूपन दर्शन इन द यूनिवर्सल। ठीक है, पूछ लेते हैं कोटेशन किसने किए थे, तो प्रोफेसर सी एन राव ने कहा था। इसी तरीके से नेशनल रेफरेंस सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसके द्वारा आई थी, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के थ्रू आई थी, 1963 में आती है। इटेरी क्या है? डाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, इसी तरीके से ट्रेड बिब्लियोग्राफी के बारे में पूछ लेते हैं कि बुक इन प्रिंट क्या है, तो ये ट्रेड बिब्लियोग्राफी है, आपको पता होना चाहिए। लाइब्रेरी ट्रेंड की बात कर ले, ये जर्नल है, पब्लिश कौन करता है इसको? जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ऑफ प्रेस। और ये कब आता है? क्वार्टरली पब्लिश होता है। इसी तरीके से केमिकल प्रोडक्ट फाइंडर, ये भी एक जर्नल है, जयसुबी भाई मीडिया प्राइवेट लिमिटेड मुंबई के द्वारा मंथली आता है। इसी तरीके से लिनक्स एंड लिनक्स क्या है, तो ये पूछा गया था अभी जो पेपर हुआ था अभी कोई कोलकाता का, तो उसमें ये पूछा गया था कि लिनक्स एंड लिनक्स क्या है, तो लिनक्स के बारे में बता दूँ, इज अ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूज एंड बिजनेस ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सर्विस है। इट हैज़ अ कलेक्ट फुल टेक्स्ट डाटाबेस है। एंड वही लिनक्स क्या है? ये ऑनलाइन इज अ लीगल रिसोर्स सर्विस है। ओके, इसी तरीके से साइंस डायरेक्ट क्या है? 1997 में आता है, इज अ वेब डाटाबेस है। ठीक है, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोवाइडर साइंटिफिक टेक्निकल एंड मेडिकल की यहाँ पे चीज़ें जो मिलती है जर्नल्स। जे गेट क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक गेटवे है टू ग्लोबल ई जर्नल लिटरेचर, 2001 में आता है बाय इन्फोमेट्रिक इंडियन लिमिटेड। ठीक है, इसी तरीके से बुक रिव्यू इंडेक्स है, ये 1965 में आता है बाय मंथली, ये पीरियोडिकल है, इसी से रिलेटेड है। बुक रिव्यू डेजर्ट, एक तो आपको बुक इंडेक्स है ये डेजर्ट है, ये 1967 में आता है, मंथली होता है, HW विल्सन ने कहा था। स्कोपस क्या है? इज अ लार्जेस्ट अब्स्ट्रैक एंड साइटेशन डाटाबेस है। ठीक है, लाइब्रेरी थिंग क्या है? बाय किसने करा था? टीम स्प्रिंटिंग ने किया है। प्रोकेस्ट क्या है? ये 1938 में आता है। ठीक है,
इसी तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिख दिए हैं जो पूछे जाते हैं। तो यूनिट नंबर 3 जो वो काफ़ी वास्ट है, तो आप इसको जितना पढ़ सकते हैं और कहीं से भी वो बिल्कुल पढ़ लीजिए, बहुत वास्ट है क्योंकि इसका जो है एरिया काफ़ी बड़ा है। प्राइमरी इन्फॉर्मेशन, सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी कुछ पूछ लेते हैं, लेकिन मुझसे जितना हो सकता है मैंने सब इसमें नोट डाउन कर लिया। प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। यूनिट नंबर 3 को मैं यहीं पर कम्प्लीट करती हूँ। नेक्स्ट जो है यूनिट नंबर 4th, उसको मैं 4th को मैं जल्दी लेके आ जाऊँगी। अब मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी, क्योंकि जून में अभी तो फैब में आपका एग्ज़ाम है, लेकिन नेक्स्ट आपको जून जुलाई में एग्ज़ाम हो जाएगा नेक्स्ट UGC नेट का लाइब्रेरी, मतलब नेक्स्ट अब जो आपका न्यू सेशन में आएगा 2023 का, तो जून में हो जाएगा। तो उससे पहले मैं जितने भी सिलेबस है UGC नेट लाइब्रेरी साइंस का कंप्लीट करा दूँगी। अगर आप लोग कहेंगे कि यूनिट नंबर पेपर नंबर 1st जो आपका है, जो कॉमन पेपर है, अगर आप बोलेंगे वो मैं करा दूंगी, क्योंकि वो मुझे पता है किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने भी कई बार दिए तो मुझे उसका फुल आइडिया है। अगर आप बोलेंगे तो मैं पेपर नंबर 1st भी करा दूंगी, वैसे सेकंड में जल्द से जल्द उसको कंप्लीट कर दूंगी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल का, इंस्टाग्राम आईडी का दे दूंगी। प्लीज़ ग्रुप को ज्वाइन कर, और जो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। तो क्लास कैसी लगी, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच।